देखो जरा स्टार्ट करो फर्स्ट न्यूमेरिकल से. इलास्टिसिटी का पहला न्यूमेरिकल जिसमें स्टील वायर ऑफ एरिया गिवन. ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज इसमें ये है कि एरिया गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? यंग्स मॉडुलस का. यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा. सो किसको हीट नहीं मिली? आपको भी नहीं मिली. चश्मे देना, दो मिनटों को मैं भी दे रहा हूँ. नहीं, दो दो हैं अभी, और आ रही है, और निकल रहे हैं प्रिंट. आप आगे आ जाओ प्लीज, इसके साथ आ जाओ. स्टार्ट करो. सो पहला क्वेश्चन चेक करो, आप लिखोगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा. स्टार्ट करो. द रीडिंग ऑफ अ प्रेशर, सॉरी, द अ स्टील वायर ऑफ लेंथ गिवन, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन. तो लिखो कैपिटल एल गिवन, कैपिटल ए गिवन, स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल गिवन एंड एरिया गिवन. तो दो वायर्स लिखो, एक तरफ कौन सी वायर लिखनी है? स्टील वायर, और दूसरी तरफ कॉपर. तो ऐसे लिखा आपने, एक तरफ स्टील, दूसरी तरफ कॉपर. ठीक, स्टील वायर की डायमेंशन लिखी, लेंथ ऑफ स्टील कितनी? 4.7 मीटर. एरिया कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया 3×10⁻¹⁵ मीटर का स्क्वायर. और कॉपर के लिए लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स, और एरिया ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू कितना? 4×10⁻¹⁵ मीटर का स्क्वायर गिवन है. स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट का मतलब बोलो क्या है? डेल्टा एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम. तो डेल्टा एल दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम. आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस होता क्या है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. ठीक, करो. एक बार ये फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? स्टील के लिए. एक बार फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? कॉपर के लिए. स्टील के लिए फॉर्मूला फोर्स ऑफ स्टील और स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट, एंड इसमें क्या गिवन है? फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए अंडर अ गिवन लोड. अंडर अ गिवन लोड का मतलब एफ की वैल्यू दोनों में सेम. एफ सेम लेना है, और लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, डेल्टा एल स्टील, ऐसी फोर्स एल कॉपर, एरिया कॉपर एंड डेल्टा एल फॉर कॉपर. फोर्स से फोर्स और डेल्टा एल की वैल्यू भी इन दोनों में एग्जैक्टली सेम गिवन है. तो आपके पास क्या आंसर आएगा? एल एस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर. क्या आपको चारों वैल्यूज गिवन है, बोर्ड पे नजर आ रही हैं? पुट कर सकते हो, आंसर आएगा. प्रश्न क्लियर है? सो पहला क्वेश्चन क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन, और इसके अंदर करेक्शन है. गिवन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बोन 7.7×10⁸ न्यूटन नहीं है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बोन इज 7.7×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब शुरू करो. ईशा फोटोकॉपी मशीन में असाइनमेंट्स निकली हुई है, सारी उठा लो. देखो सेकंड क्वेश्चन, कंप्रेसिव फोर्स समझते हो? कंप्रेसिव फोर्स का मतलब जितनी मैंने फोर्स लगाई, क्या करने के लिए? बोन को कंप्रेस करने के लिए. ठीक, कंप्रेस करने के लिए. तो इसमें मैंने इतनी फोर्स लगाई, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है, जो मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कि इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस हो गया तो बोन टूट जाएगी. हम बोन को ना दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद वो टूटेगी. तो इतना स्ट्रेस जो बोन का स्ट्रेंथ गिवन है एंड में, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से एक्सीड हो गई वैल्यू, बोन टूट जाएगी. आपको क्या निकालना है? आपने अपना स्ट्रेस निकालना है कि आपने कितना स्ट्रेस अप्लाई किया. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो अगर आपका स्ट्रेस इस स्ट्रेस से कम है,
बोन नहीं टूटेगी, और अगर आपका स्ट्रेस इस स्ट्रेस से ज्यादा है तो बोन टूटेगी। ठीक, शुरू करो। सो क्वेश्चन है कि इफ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ, आपने कितनी फोर्स लगाई, क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3×10⁴ न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द एंड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है कितना, 3.6 मीटर का स्क्वायर। विल द बोन ब्रेक, क्या ब्रेक होगी कि नहीं होगी। आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.7×10⁸, इसमें करेक्शन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लेना करेक्शन। तो आप क्या करोगे, इसमें फोर्स डिवाइडेड बाय क्या निकालोगे, एरिया। आपके पास फोर्स है, आपके पास एरिया है, इनको डिवाइड करके फोर्स बाय एरिया निकाल लो। ठीक, जो भी आंसर आएगा वो इस वैल्यू से कम आएगा, जितना भी आ रहा है वो इससे कम आ रहा है, इसका मतलब बोन ब्रेक नहीं होगी। और अगर बोन ब्रेक नहीं होगी तो उस केस में आपको क्या निकालना है, इस केस में बी पार्ट में, तो वो कितना, कितनी छोटी हो गई, कितनी छोटी का मतलब डेल्टा एल निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस गिवन है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू फोर्स बाय एरिया वाई इंटू एल। आपको क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू गिवन है, आपको कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20×10⁻²। आपको एरिया की वैल्यू गिवन है 3.6, और आपको यंग्स मॉडुलस भी क्वेश्चन में गिवन है 1.5×10⁻¹। यहां से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एल। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकलेगी यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से, कर लोगे सॉल्व इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ठीक आंसर नहीं है मेरे पास इसके, आप नेट पे चेक कर लेना, इसके सॉल्व है सारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप चेक करो, आपको एक वायर गिवन है, इसका कोई मास नहीं है, और आपको एक ब्लॉक गिवन है कितना, 4 kg का, इसके नीचे एक और ब्लॉक गिवन है कितना, 6 kg का, ये कितना है 1.5 मीटर है, ये कितना है 1 मीटर है, ये वायर ब्रास की है, ये वायर स्टील की है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको दोनों के डायमीटर गिवन है, आपको स्टील का डायमीटर गिवन है,
आपको ब्रास का डायमीटर गिवन है, ब्रास अगर इसका डायमीटर गिवन है तो स्टील का रेडियस गिवन है, ऐसी रेडियस ऑफ ब्रास भी पता है, क्योंकि डायमीटर को हाफ कर लोगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक, तो डायमीटर की वैल्यू जो ब्रास है उसकी डायमीटर की ईच वायर, डायमीटर ऑफ ईच वायर 0.25 मीटर है, तो रेडियस की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर भी 0.25 डिवाइडेड बाय 2 मीटर है। ये पॉइंट क्लियर है? तो दोनों की रेडियस की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, आपको इसमें यंग्स मॉडुलस गिवन है, स्टील का भी यंग्स मॉडुलस गिवन है एंड आपको ब्रास का भी यंग्स मॉडुलस गिवन है, दोनों गिवन है। आपको डेल्टा एल निकालना है दोनों का, तो डेल्टा एल के लिए पहले स्टील का डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू है क्या वो लिखी हुई है मैंने डेल्टा एल बोर्ड पे। डेल्टा एल की वैल्यू फोर्स, लेंथ, एरिया एंड वाई। उसी तरीके से डेल्टा एल फोर्स, लेंथ, एरिया, वाई। तो फोर्स ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ब्रास, 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 ब्रास। ठीक है यहां तक। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल एक्सपेंशन आ जाएगी दोनों वायर्स की कितनी है। ठीक, तो आपको फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी है, आप मुझे एक चीज का आंसर दो, जो स्टील वायर है इसने कितना लोड, कितना भार उठाया हुआ है? 4 kg का तो उठाया हुआ है, इनडायरेक्टली 6 को भी, तो टोटल 10 kg। 10 kg का मतलब यहां पर फोर्स ऑफ स्टील का मतलब 10 g, 10 × ऑब्वियसली g 9.8 न्यूटन, इतना न्यूटन उठाया हुआ है। और ब्रास ने कितना उठाया हुआ है? फोर्स ऑफ ब्रास इज इक्वल टू सिर्फ 6 × g न्यूटन, 10 पुट कर लेना यहां पर, 60 न्यूटन और 100 न्यूटन। ठीक है यहां तक। तो आप इन वैल्यूज को यहां पुट कर लोगे, आपको यहां फोर्स पता है, आपको लेंथ ऑफ स्टील पता है, आपको एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील क्या पुट करोगे, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ब्रास भी सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, इन सारी वैल्यूज को जो भी आप पुट करोगे तो स्टील का एस डेल्टा एल आ जाएगा, ब्रास का आ जाएगा, टोटल डेल्टा एल की वैल्यू लेंथ ऑफ स्टील प्लस डेल्टा एल ऑफ ब्रास, ऐड कर लेना, डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? तब समझ में आ रहा है कि दो वायर्स जब एक्सपैंड होंगी तो दोनों का डेल्टा एल कैसे निकलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन आप ये लगा सकते हो। ओके, स्टील वायर जिसकी लेंथ कितने गिवन है, 4 मीटर, 4 मीटर की लेंथ है एंड स्ट्रेच थ्रू, स्ट्रेच का मतलब क्या गिवन है, डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर। तो एल पता है, डेल्टा एल पता है। आगे
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर गिवन है. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब 2 इंटू 2 mm स्क्वायर है, तो mm स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा यहां पर माइनस 6. एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक. एरिया भी आ गया क्रॉस सेक्शनल. क्या निकालना है? यंग्स मॉडुलस भी गिवन है. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 रेस टू पावर 11, ठीक. आपको क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी मींस, बोलो क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, विच विल बी इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है यहां तक. तो विच विल बी इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक. असाइनमेंट्स कहां पड़ी है? पीछे उधर पास कर दो, दो दो पेज हैं. आगे पास करना प्लीज, सबसे एंड में पास कर दो, ठीक. तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, आपको ये वैल्यू गिवन है. आप यहां से स्ट्रेस निकाल सकते हो. चेक करो स्ट्रेस क्या होता है. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. आपको फोर्स नजर आ रहा है? कहां रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं. आपको स्ट्रेन नजर आ रहा है? स्ट्रेन आ रहा है. डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. स्ट्रेन तो पता है, पर आपको यंग मॉडुलस तो पता ही है ना. तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक. तो यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. तो आप इस स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लो. हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन. तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर है? तो यहां वैल्यू पुट करो. तो आपके पास क्या पुट करोगे? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर. तो 1/2 यंग्स मॉडुलस की जगह 2 इंटू 10 रेस टू पावर 11, और डेल्टा एल का मतलब है 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, और एल का मतलब है 4 का होल स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लोगे न्यूमेरिकली तो ये आपके पास क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. इसके यूनिट्स क्या होंगे? जूल पर मीटर क्यूब. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर का क्यूब. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नहीं, वो गलती से एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहा था तो पावर्स नीचे आ गई सारी. असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, तो 10/1011 नहीं है एक्चुअली में, वो पावर्स है सारी 1011. तो कंप्यूटर की जब कॉपी करते हैं ना तो कई बार फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है सारी. अभी तो टाइम नहीं था कि वो एक एक वर्ड को हम चेक करें, इसलिए ऐसे ही कर दिया. ठीक. सो ए पार्ट क्लियर है. बी पार्ट, ये आपके पास क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. बी पार्ट में बोलो क्या निकालना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, सिर्फ एनर्जी. तो कैसे करेंगे? इनटू वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक. क्योंकि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आप वहां से निकाल ही लोगे, जिसकी वैल्यू हाफ इंटू टू इंटू टेन रेस टू पावर 11 और 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर. तो अगर सिर्फ वर्क डन या एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 10 रेस टू पावर 11 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर की जरूरत नहीं है, फिर रेडियस नहीं करना, आपको सीधा एरिया गिवन है. तो आप इसमें एरिया की जगह, वॉल्यूम की जगह पुट करो एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ. आपको एरिया भी पता है, आपको लेंथ भी पता है. यहां से यूनिट्स क्या आ जाएंगे? इसके जूल्स में आ जाएंगे. तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक. तो यहां से जूल्स में ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 5.
सो प्रेशर के अंदर अ टैंक विद स्क्वायर बेस ऑफ एरिया गिवन इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल पोर्शन इन द मिडल. द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज अ स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया गिवन. The tank is filled with water in one compartment and acid of relative density 1.7. तो सबसे पहले relative density होती क्या है? Density of body यानी कि इसमें acid divided by density of water. तो सबसे पहले density of acid की value यहाँ से और density of water क्या होती है? 1 gram per centimeter का cube. तो यहाँ से 1 करके density of acid आपके पास आ जाएगी 1.7 gram per centimeter का. पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है, अब एक टैंक है और टैंक के नीचे, क्योंकि टैंक के दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक में वाटर है और एक में एसिड है. ठीक, नीचे डोर है, छोटा सा डोर है. तो ये डोर के इस तरफ से एसिड फोर्स लगाएगा और इस तरफ से वाटर फोर्स लगाएगा. ठीक, और हमें पता है जो हाइट है दोनों लिक्विड्स की कितनी है? 4 मीटर है. और हमें एक चीज पता है, यहां पर लिक्विड ही इसे ओपन करेगा या से एसिड ओपन करेगा. तो यहां पर प्रेशर ड्यू टू वाटर क्या जाएगा? एच, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. वाटर का प्रेशर यहां से आ गया एच रो जी से, और यहां से एसिड का प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर ड्यू टू एसिड इज इक्वल टू एच इंटू डेंसिटी ऑफ एसिड इंटू जी. क्या पॉइंट क्लियर है? तो एक तरफ से प्रेशर ड्यू टू वाटर आ गया, एक तरफ से प्रेशर ड्यू टू एसिड आ गया. ठीक, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर इंटू इसका एरिया ए है डोर का इंटू ए, और फोर्स ड्यू टू एसिड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एसिड इंटू एरिया. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से प्रेशर इनटू एरिया, वहां से प्रेशर इनटू एरिया, सही. तो आप यहां से फोर्स ड्यू टू वाटर निकाल लो, एच यानी कि 4 मीटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इनटू एरिया. यहां से फोर्स ड्यू टू एसिड निकाल लो विच विल बी इक्वल टू एच इनटू डेंसिटी ऑफ एसिड इनटू जी इनटू एरिया. तो यहां से डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1. रादर अगर ये 4 मीटर चल रहा है तो 1 मत पुट करो, क्योंकि 1 तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो 1 होती है वो किस में गिवन होती है? सीजीएस में. डेंसिटी ऑफ वाटर अगर एसआई में निकालनी है तो यहां पर 1000 यूज कर रहे हैं, 1000. तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर को यूज करोगे 1000, जी की वैल्यू 10 अप्रोक्सीमेटली, और एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1 मीटर का स्क्वायर. और ऐसी एसी की डेंसिटी 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 कर लेना, जी की वैल्यू 9.8 या 10 और एरिया अगेन 1. तो इनमें से एक फोर्स बड़ी आएगी, एक छोटी आएगी. मान लो एसिड की फोर्स बड़ी आ गई, मान लो क्योंकि एसिड डेंसिटी ज्यादा है ना, तो एसिड की फोर्स बड़ी आ गई, तो डोर कैसे ओपन होगा? एसिड डोर को ओपन कर देगा, और आप चाहते हो कि डोर ओपन ना हो तो आपको वाटर की तरफ जाके डोर को पकड़ना पड़ेगा. वाटर थोड़ा वीक फोर्स लगा रहा है, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितना भी आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि डोर ओपन ना हो, दोनों की फोर्स का डिफरेंस जो भी इनका माइनस करके आंसर आएगा, आपको इतनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि डोर ओपन ना हो. ठीक है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? एरिया गिवन है डोर का, स्क्वायर बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडल. अच्छा, सॉरी, डोर का एरिया, सॉरी, क्योंकि इधर टैंक का एरिया बेस गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, डोर का एरिया मेरे ख्याल से कितना गिवन है? 20. ओके, तो प्लीज यहां पर करेक्शन कर लो, तो ये 20 के करीब आएगा. तो एरिया जहां 1 मीटर स्क्वायर गलती से पुट कर दिया, इसमें कंफ्यूज करने के लिए बेस एरिया भी गिवन है, हमें बेस एरिया नहीं चाहिए. तो इसमें 20 इंटू 10 raised to power minus 4. तो यहां से बेस एरिया तो हमने क्या ही करना है, हमें तो डोर का एरिया चाहिए, तो डोर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, आधा डोर का एरिया कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, नेक्स्ट देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल.
देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सबसे पहली चीज, अ बॉडी फ्लोट्स विद वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड, ये रहा अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो आउटसाइड कितना है, वी बाय थ्री है, एंड थ्री फोर्थ ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड। तो कई क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें ये जो लिक्विड है पहले केस में क्या है, वाटर है, और दूसरे केस में ये लिक्विड कोई अनदर लिक्विड है ऐसे, और थ्री फोर्थ ऑफ वॉल्यूम इज आउटसाइड द अनदर लिक्विड, दो केस है। तो वाटर के अंदर कितना पोर्शन हुआ, वी में से ये चला गया कितना आ गया, टू बाई थ्री वी आ गया, और ऐसी वी में से थ्री बाय फोर वी गया तो कितना आ गया, वी बाय फोर आ गया। तो इतना पोर्शन लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, इतना पोर्शन वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है यहां तक क्लियर। आपको इसमें क्या निकालना है कि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 1000 है SI में, तो आपको क्या निकालना है इसमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ तक। तो आर्किमिडीज में फ्लोटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये लिक्विड या वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ वाटर का मतलब वीरो जी, ये बताओ कि वाटर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना बॉडी का पोर्शन सबमर्ज्ड है कितना, 2v/3। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलो 2v/3 इनटू किसका वेट निकल रहा है, वाटर का, तो डेंसिटी किसकी, वाटर की, इनटू जी। तो वेट ऑफ वाटर समझ में आ रहा है, होल वेट ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम कितना है, वी, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी इनटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहां तक क्लियर। सिमिलरली इसमें क्या मैं ऐसे इक्वेशन बना सकता हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलो v बाय 4 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक। तो लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी मस्ट होल वेट में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें 2/1, तो v बाय 4 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी डिवाइडेड बाय 2v/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, होल वेट के लिए तो ऑब्वियसली v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू, दोनों तरफ था ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ गया यहां से, ठीक। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल, वाटर की डेंसिटी कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। आर्किमिडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बुक के अंदर उसके सॉल्यूशन बड़े अजीब तरीके से सॉल्व है, और वो स्टेटमेंट समझ तो आती है लेकिन उसके सॉल्यूशन समझ नहीं आते कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो मत करो, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है अपने तरीके से कैलकुलेशन करो, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये सबसे मेरे ईजिएस्ट तरीका है, और जो बुक्स यूज कर रही हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी और शॉर्टकट्स भी लगाती हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा समझने के लिए एक एक चीज, तब आपको दो चार न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी, फिर अपने आप ठीक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर हमेशा ही लोगों को थोड़ा तंग करता है बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब लोग प्रेशर पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि सर जब आप पढ़ा रहे हो तो हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम करते हैं घर जाके तो प्रेशर के दो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसके सॉल्यूशन मत देखो, आप सीधा उसको इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक। सो नेक्स्ट देखो, सेवंथ करो ट्राई, सेम क्वेश्चन है, आइसबर्ग वाला क्वेश्चन है, कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन नीचे।
सो क्वेश्चन है, आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्ज इन सी वाटर. ये रहा आइसबर्ग, कुछ पानी के अंदर है, वाटर के अंदर और कुछ एयर में. सो डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड दैट ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस भी गिवन है कितनी, 0.8 सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव द लेवल ऑफ द सी. तो आपको ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऊपर है. मान लो कि v डैश वॉल्यूम ऊपर है, टोटल वॉल्यूम v है, तो नीचे कितना है, v माइनस v डैश. तो कितना पोर्शन हवा में है, v डैश. आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो एयर में वॉल्यूम v डैश है, टोटल कितना है v, आपको ये वैल्यू निकालनी है. ठीक समझ में आ गया करना क्या है, फ्रैक्शन कितनी एयर में. तो मुझे पता है कि वेट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉरी होल वेट ऑफ आइस, होल वेट ऑफ आइस. वेट ऑफ वाटर के अंदर डेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने, v माइनस v डैश इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g. ये क्या आ गया मेरे पास, वेट ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ आइस के अंदर v इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू g. तो v माइनस v डैश बाय v, g से g कैंसिल, डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक, तो 1 माइनस v डैश बाय v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहां से v डैश बाय v 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, 0.8, और ये कितनी है 1, तो कितना आ गया 0.2. तो ये इतना फ्रैक्शन जो होगा वो एयर में होगा. समझ में आ रहा है यहां तक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि कैसे इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक, सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है. मैं इसके बाद सेकंड राउंड लगाऊंगा, तो फिर थोड़े से और नेक्स्ट लेवल को इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद अपने आप ही चीज़ें अपने आप क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी. तो जस्ट एक रिवीजन है पूरे हर एक एक छोटे छोटे टॉपिक की, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे एक टॉपिक कर रहे होते हैं तो थोड़ा बड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है जब अंदर डेप्थ में जाते हैं. तो एक बार ओवरऑल इसको करके फिर सेकेंड राउंड में फिर से इन्हीं चीज़ों की रिवीजन करके सेकेंड राउंड थर्ड राउंड इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स अपने आप ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे. और चीज़ें बड़ी क्लियर दिखती हैं जब इकट्ठी चल रही होती हैं, सबसे बड़ी बात. मतलब साफ दिख रहा होता है कि किस टॉपिक में क्या, किस टॉपिक में और किस टॉपिक में क्या लगता है. ठीक, जैसे इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आता होता है, अगर मान लो वेट ऑफ कोई बॉडी, कोई भी वेट है बॉडी का, वो एयर में मान लो 10 न्यूटन है और लिक्विड में जाते ही उसका वेट कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया. ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है कितनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1000 गिवन है मान लो. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आर्किमिडीज के अकॉर्डिंगली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना है, 2 न्यूटन इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो लॉस इन वेट 2, वेट ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. तो 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम वी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इनटू 10. यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो यहां से आप इसको वी निकाल लेना, वी की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट है विस्कोसिटी. 8th क्वेश्चन, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच फॉलिंग विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू जी डिवाइडेड बाय ईटा. अब शुरू करो, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था.
सो एट रेन ड्रॉप्स, मैंने बताया सबसे पहले एक छोटा ड्रॉप है, छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है 1 mm, और 8 रेन ड्रॉप जब कंबाइन होंगे 4/3 πr³ × 8 इज इक्वल टू 4/3 πR³। तो यहां से आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 times r, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 × 1 mm, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 mm। ठीक हो गया। छोटा ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर करेगा, 2/9 r² डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा, और बड़ा ड्रॉप कितनी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, 2/9 R² रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा, क्योंकि ना तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी ऑफ बॉडी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी VT- आपको निकालनी है, R² टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो क्योंकि इसकी वैल्यू 2R है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा V of t, तो यहां से कितना आ गया 4 × V of t, 4 × छोटे ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 5, तो बड़े ड्रॉप की कितनी आ जाएगी 20 meters या 20 cm/s। मेथड समझ में आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैंने बताया था कि अगर पाइप सीरीज में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहेगा, सेम। तो ये भी बताया था इस चैप्टर में कि अगर एक पाइप है तो इसमें से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू इज π/8 pr⁴ / η ✕ L, इसको बोलते हैं पॉइसलीज फॉर्मूला। तो ये क्या देता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, अगर पाइप सीरीज में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और अगर पैरेलल में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट पाइप में कुछ और होगी, सेकेंड पाइप में कुछ और होगी। और क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पाइप्स हैं R1 R2 रेडियस की और लेंथ L1 L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रखनी है, सेम। ठीक, स्टार्ट करो। तो अगर पाइप सीरीज में है
वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू सेम है. सो अंडर अ प्रेशर हेड ऑफ पी देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. आपको ये प्रूव करना है. सबसे पहली चीज, अगर दो पाइप सीरीज में है, जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकेंड पाइप है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, तो वी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू इसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम है. लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर यहां प्रेशर डिफरेंस P1 है तो यहां प्रेशर डिफरेंस, छोटी पाइप में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, बड़ी पाइप में थोड़ा कम होता है. तो टोटल प्रेशर हेड या प्रेशर डिफरेंस कितना गिवन है P, तो P किसके इक्वल है, P1 प्लस P2. तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमें मालूम है. और हमें यह भी मालूम है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड V की वैल्यू दोनों में सेम है. तो V इज इक्वल टू पाई बाय 8 P1 R14 डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स L, क्योंकि लेंथ की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है. तो यहां से P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ईटा L इंटू V डिवाइडेड बाय पाई इंटू R1 रेज टू पावर 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पे P इज इक्वल टू 8 ईटा L V, V फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, पाई इंटू आर वन रेज टू पावर 4, और ऐसी 8 ईटा एल वी पाई आर टू रेज टू पावर 4. ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको V निकालना है. तो P कॉमन निकाल लो इसमें से, 8 ईटा एल पाई, ये कॉमन आ गया, V भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 बाई आर वन रेज टू पावर 4, 1 बाई आर टू रेज टू पावर 4, कुछ ये वैल्यू बच गई. रादर लेंथ भी डिफरेंट है. ओके, तो अगर लेंथ डिफरेंट है तो यहाँ L1 L2 कर लो, तो ये L1 कर लो, यहाँ पर L1 कर लो, यहाँ पर L2 कर लो, तो लेंथ को कॉमन मत निकालो, यहाँ पर कर लो L1, यहाँ पर कर लो L2. ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V की वैल्यू पाई इंटू पी 8 ईटा और डिवाइडेड बाय 1 बाय आर वन रेज टू पावर 4, आर टू रेज टू पावर 4, कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा. ये L1 है और ये L2 है, मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो.
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या अप्लाई होगा, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी इंटू एच इज अ कॉन्स्टेंट। तो एक प्लेन है, टेस्ट एक्सपेरिमेंट है एरोप्लेन के ऊपर, विंड टनल है, प्लेन खड़ा हुआ है, तो नीचे और ऊपर से अलग अलग वेलोसिटी से हवा निकल रही है। तो क्वेश्चन में गिवन है लोअर जो प्लेन है उसका एक विंग है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है, 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और प्लेन के ऊपर वेलोसिटी कितनी गिवन है, 63 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटीज गिवन है। तो आपको ये बताना है कि अगर इसका एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर स्क्वायर है, तो लिफ्ट बतानी है कितनी है, लिफ्ट मतलब फोर्स बतानी है कि फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स है वो इसलिए लगेगी क्योंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां उल्टा लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी यहां 70 और यहां 63, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तभी तो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहां पर कम होगा, तभी तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, लिफ्ट, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो बर्नौलीज थ्योरम में P1 डिवाइडेड बाय रो और V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस G इनटू H इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G इनटू H, G इनटू H कैंसिल, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या ली जाती है, सेम, इसको हमेशा कैंसिल करना है। तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 बाय रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, और यहां से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी पता है, वेलोसिटी दोनों की दोनों पता है, तो यहां से क्या जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस। तो आपको अगर नेट फोर्स निकालनी है तो प्रेशर का डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया ऑफ विंग से, तो आपके पास इतने न्यूटन जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे लगेगी इसमें। ठीक, नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड। तो एक प्रेशर मीटर है, उसकी जो अटैच विद अ क्लोज वाटर पाइप इज गिवन, 3×10^5 है वो, 105 नहीं है। तो प्रेशर की वैल्यू P1 इज 3×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया, प्रेशर हो गया, ये सेम नहीं रहेगा, इसको इसको ऐसे करो, इसको 3.5 कर लो, कुछ भी ले लो, मतलब पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब प्रेशर कितना हो गया, 3×10^5 न्यूटन पर मीटर का, करेक्शन कर लो प्लीज़, पहले प्रेशर 3.5 कर लो, बाद में प्रेशर 3 कर लो, तो प्रेशर चेंज हो गया। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द वाटर। जब प्रेशर ज़्यादा था तो स्पीड क्या थी, 0। जब प्रेशर कम हो गया, कम इसलिए हुआ क्योंकि पानी निकलना शुरू कर दिया, तो अगर पाइप में से पानी निकलेगा तो स्पीड उसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगेन P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो G इंटू एच इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी को तो कंपेयर नहीं कर रहा, तो यहां से P1 की वैल्यू 3.5×10^5 और लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 प्लस V1 का मतलब 0 और P2 का मतलब 3×10^5 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी का मतलब 1000 और V2 स्क्वायर बाय 2। यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी सेकंड निकाल लेना, लिक्विड की वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 12th,
So, question is, small hole is made at a height of 1 by root 2 meter from the bottom of a cylindrical water tank and a depth of root 2 meter from the free surface of the water of the tank. Find the distance where the water emerging from the hole strikes the ground. So, ye ek tank hai, is tank mein ek liquid hai, ye hole hai, to upar se is hole ka distance kitne hai? Under root of 2. और बॉटम से कितने हैं 1 बाय रूट 2 इसमें से लिक्विड बाहर आएगा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितनी दूर जाके गिरा तो लिक्विड बाहर एफ्लक्स की वेलोसिटी से आता है और एफ्लक्स की वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ 2gh और h का मतलब होता है होल से ऊपर की हाइट और होल से ऊपर की हाइट कितनी है रूट 2 तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 g √2 वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गई आपको इसमें रेंज निकालनी है लिक्विड कितनी दूर जाके गिरा रेंज निकालनी है तो रेंज का मतलब ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 by √2 तो प्रोजेक्टाइल के अंदर एक इक्वेशन y एक्सिस पे लगाओ तो y एक्सिस की नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है रादर क्योंकि रेंज का फॉर्मूला हमें आता है 2 √h × h तो h डैश का मतलब है इसमें होल से नीचे की हाइट तो 2 ऊपर की हाइट कितनी है √2 नीचे की हाइट कितनी है 1 by √2 तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर कुछ करने की जरूरत नहीं है होल से ऊपर की हाइट होल से नीचे की हाइट तो इनको पुट करोगे आपके पास रेंज की वैल्यू आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन एक हट है और जो भी हट है इसके एयर की डेंसिटी गिवन है ब्लोज हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ तो आपको इसके ऊपर की स्पीड गिवन है v2 की वैल्यू गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर तो इसको कन्वर्ट कर लेना 108 × 10⁻³ बाय 3600 मीटर पर सेकंड में रूफ के नीचे की वेलोसिटी 0 है तो रूफ का जो एरिया गिवन है एरिया वो 40 मीटर स्क्वायर गिवन है एरोडायनामिक लिफ्ट बतानी है यानी कि फोर्स की वैल्यू बतानी है तो ये p1 है यहां पर p2 है तो फोर्स की वैल्यू p1 माइनस p2 इनटू क्या हो जाएगा यहां पर एरिया तो बर्नौलीज थ्योरम p1 बाय रो प्लस g × h प्लस v1² / 2 इज इक्वल टू p2 बाय रो प्लस g × h v2² / 2 gh से gh कैंसिल तो यहां से p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो is equal to v2² - v1² / 2 तो यहां से p1 - p2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी v2² - v1² / 2 into rho तो v1 की वैल्यू यहां पर कितनी है 0 v2 की वैल्यू हमें पता है डेंसिटी हमें पता है प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस आ गया एरिया हमें पता है यहां से एरोडायनामिकल लिफ्ट आ जाएगा फोर्स आ जाएगी क्या है पॉइंट क्लियर है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन Thank you.
हाँ तो रिपीट तो होते ही हैं क्वेश्चंस, ये तो कई टेस्टों में आएगा, अगले टेस्ट सरफेस एरिया टेस्ट में भी आएगा। फ्लूइड फ्लो का टेस्ट है, बर्नौली थ्योरम आपको लगाने, अभी 2-3 क्वेश्चन डालूंगा मैं मंडे या ट्यूसडे को पैचेस के बाद में ना, इस पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, बोला तो था फ्लूइड फ्लो का और सरफेस टेंशन का। नहीं, फ्लूइड फ्लो का पहले है, सरफेस टेंशन का अगले लेक्चर में, इकट्ठे नहीं। इतना तो प्रिपेयर कर ही लोगे, थोड़ा थोड़ा करके तो कर ही लोगे। अब तो स्पीड नॉर्मल है, अब तो कोई जल्दी नहीं है। तो साथ ही खत्म कर देते हैं, चलो किसी को तो फायदा होगा। अभी देखो
नेक्स्ट देखो, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm ब्रेक्स इन 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, कैलकुलेट रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी. हाँ, इसके बाद वाला ये हुआ ही नहीं, सरफेस पहला न्यूमेरिकल हुआ ही नहीं अभी तो, सरफेस टेंशन का. तो सरफेस टेंशन के पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये सिखाया, ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन में या तो ड्रॉप बड़ा छोटों में टूटेगा या फिर छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे. ठीक है, तो अगर ड्रॉप बड़ा छोटे में टूट रहा है तो ऐसे केस में आपको वर्क डन करना पड़ता है, और अगर छोटे ड्रॉप बड़े में कंबाइन हो रहे हैं तो ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी. आप ये देख लो इसमें क्या है, ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं. तो एक ड्रॉप ब्रेक हो रहा है कितने ड्रॉप्स में, 1000 ड्रॉप्स में. तो सबसे पहला काम ये होता है, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज 1000 इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल आर. ठीक हो गया यहां तक पहला रिलेशन. अब इसमें करना कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन टी, जब भी कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि सरफेस टेंशन तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फिर वो कहते हैं सर सरफेस टेंशन तो वर्क डन अपॉन एरिया भी होता है. सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशंस हैं, सरफेस टेंशन वर्क डन की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, जो कि एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस की एनर्जी, और सरफेस टेंशन को फोर्स की फॉर्म में निकाल सकते हो. तो सरफेस टेंशन को अगर फोर्स की फॉर्म में निकालते हो तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, और अगर एरिया की फॉर्म में निकालते हो तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय एरिया, चेंज इन एरिया. तो इस केस में टी की वैल्यू 0.07, आपको इसमें वर्क डन या एनर्जी निकालनी है. चेंज इन एरिया में बड़ा एरिया, क्योंकि 1000 ड्रॉप्स का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटे ड्रॉप का एरिया कितना है, इतना है, मींस एक सिंगल ड्रॉप का एरिया हमेशा कम होता है. तो कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 0.07 इंटू 1000 इंटू 4 pi स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 pi कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर 0.07 इंटू 1000 इंटू 4 pi स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 pi इंटू 10 इंटू आर का होल स्क्वायर. स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, 4 mm. अच्छा, बड़े ड्रॉप का गिवन है. अच्छा, तो बड़े ड्रॉप का गिवन है, तो एक काम करो, अगर बड़े ड्रॉप का रेडियस गिवन है 4 mm, कैपिटल आर की वैल्यू 4 mm इतनी गिवन है, तो आप स्मॉल आर निकाल लो. स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर बाय 10. तो यहां से 4 × 10⁻³ - 3/10, इसका मतलब 4 × 10⁻⁴ मीटर. स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर की जगह वैल्यूज पुट कर लोगे. अच्छा, डायमीटर है. अच्छा, डायमीटर है तो कोई बात नहीं, ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया. तो रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻³ मीटर. तो कोई बात नहीं, इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो. अब ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करके जूल में आंसर निकाल लेना. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल 0.1 mm रेडियस सिचुएटेड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर. तो अगर ये वाटर की सरफेस है, ये एक बबल है, बबल के अंदर का प्रेशर और बाहर वाटर है, बबल के अंदर एयर है, तो बबल के अंदर का जो प्रेशर है इनसाइड, वो आउटसाइड के प्रेशर से, नॉर्मली बबल के अंदर फॉर्मूला हम यूज क्या करते हैं, 4T/R, लेकिन क्योंकि इसके बाहर एयर नहीं है, बाहर वाटर है, तो इसकी सिर्फ एक फ्री सरफेस है, तो यहां फॉर्मूला कितना यूज होगा, 2T/R. तो बबल के अंदर का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T/R, पर बबल के बबल जो है वो एच हाइट नीचे है, तो इसलिए टोटल प्रेशर इनसाइड क्या होगा, एटमॉस्फेरिक के साथ क्या ऐड हो जाएगा, प्लस 2T/R. आर पता है, टी पता है, एच पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, बबल के अंदर का प्रेशर आ जाएगा. क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? तो बबल के अंदर का प्रेशर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में 16th में, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 to 3 cm, सरफेस टेंशन गिवन है. अगेन आपको रेडियस कहां से करना है, 2 cm से लेके 3 cm करना है. आपको इसका क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, और एरिया कितना करना है, 4 pi × 3 का स्क्वायर, रादर सरफेस टेंशन इसमें सीजीएस में गिवन है, -4 pi × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, 30. तो यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30
इंटू 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहां से इतने अर्ग्स, क्योंकि सीजीएस चल रहा है, इतने अर्ग्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट रोटेशन मोशन देखें। तो यहाँ तक क्लियर है लिक्विड्स का? आप घर जाके एक बार देखोगे तो जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं वो आपसे सॉल्व होनी अब शुरू हो जाएंगी। थोड़ा करके ट्राई करो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स पे आओ। ठीक, ऑब्जेक्टिव की तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। कितने भी आप, अगर आप 10 साल भी बैठे रहोगे ना यहाँ पे, वो तब भी नहीं खत्म होने वाले। इतने क्वेश्चन हैं कि कोई लिमिट नहीं है, तो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको ये है कि वो इतना सारा काम आपको बहुत, क्योंकि कम से कम नहीं तो 100 किताब तो मेरे पास पड़ी होगी, 100 बुक्स, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी पड़ी, कम से कम 200 किताबें तो मैंने घर पे रखी हुई हैं। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि कितने न्यूमेरिकल्स होंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में है। लेकिन एक सिचुएशन पॉइंट आ जाता है आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, जब चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ जो बहुत अच्छे से आपको आता है, आप जब बुक्स उठाते हो तो कहीं ना कहीं रेपिटेशन में आ जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कंपटीशन में जाते हो तो वो चीजें अपने आप ही रेपिटेशन के थ्रू सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और नया क्वेश्चन भी आता है तो नए क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट, आपने इतने क्वेश्चन ट्राई कर रखे होते हैं कि कॉन्सेप्ट को पता होता है, तो नया क्वेश्चन क्रैक हो जाता है वहां पे। तो ऐसा नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं जेईई मेन में पीएमटी में नए क्वेश्चन आते हैं, कुछ पुराने भी आते हैं, पर जब नए आते हैं तो लोग ट्राई करते हैं और उनसे सॉल्व होते भी हैं उसमें। तो बनाने वाले को पता होता है कि वो क्या बना रहा है ताकि बच्चा ट्राई कर सके। ऐसा नहीं कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन कोई नहीं डालता, सब ठीक क्वेश्चन डालते हैं। ठीक, तो पीएमटी का पेपर 2015 का मैं हमेशा बोलता हूँ, देख लिया आपने? देखे, आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। और जेईई मेंस का कईयों ने देखा हुआ है इतना, मतलब ये 2015 का थोड़ा मुश्किल पेपर माना गया है, तो सोचो 2014-13 में कैसा आता होगा। ठीक, 2013 में ठीक आता है, मतलब मुश्किल भी क्या ही है, इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग बना लेते हैं। तो आसान है। तो आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका पेपर पक्का क्रैक होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ो। रोटेशनल मोशन के अंदर व्हील रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियंस पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। फॉर्मूला सबको रोटेशनल क्या आते हैं, हम रिवीजन की हुई है तो मैं थ्योरी तो नहीं करवा सकता हूं। तो मैं अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, अ व्हील रोटेटिंग एंड एंगुलर स्पीड ऑफ, जरा इसके यूनिट्स पढ़ना, 20 आगे क्या है, रेडियंस पर, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा गिवन है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, ये ओमेगा नोट कर लें या ओमेगा इनिशियल कर लें, फाइनल ओमेगा कितने, 0। और कितनी देर में रेस्ट पे आया, इन 4 सेकंड पे रेस्ट पे आया। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू गिवन है 0.20, फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है बाय टॉर्क इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो एक काम करते हैं, जो वर्क डन होता है लॉज ऑफ मोशन में, वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क और एक्स की जगह थीटा। ठीक, तो अगर मैं आपको टॉर्क बता दूं आंसर आ जाएगा, टॉर्क होता क्या है, आई इंटू एल्फा इंटू थीटा। आपको आई पता है 0.20, एल्फा निकाल लेते हैं थीटा निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन याद रखना जो थीटा निकालना है इन कितने सेकेंड्स, 2 सेकेंड, जो थीटा निकालना है इन 2 सेकेंड्स है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, 0 इज इक्वल टू 20 प्लस अल्फा इंटू 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, -5 रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, तो थीटा कि जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, 20 इंटू 2, क्योंकि थीटा एंगल मुझे निकालना है इन 2 सेकेंड। तो 20 इंटू 2 हाफ इंटू -5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 30 रेडियंस। ठीक, तो यहां से आंसर आ गया 0.20
अल्फा की जगह कितना 5, और मैग्नीट्यूड में ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में 5 क्योंकि इसमें रिटार्डेशन हो रही है तो वर्क डन अगेंस्ट रोटेशन हो रहा है, और थीटा की वैल्यू कितनी 30, जो भी आंसर आएगा इतने जूल्स इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन निकालना है अरुष, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2, एन एनर्जी ऑफ 485 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 20 आरपीएम टू 460 आरपीएम। पहली बात को समझो, इसमें 60 आरपीएम होता क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी 60/60 आरपीएस, और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 460/60 आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक, न्यू नॉट से आप ओमेगा नॉट निकाल सकते हो, 2π into ν₀, 2π into 1 रेडियंस पर सेकेंड, और यहां से ओमेगा निकाल सकते हो 2π into ν, 2π into 460/60 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, आपको क्या निकालना है, आपको कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी 485 जूल की ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, और वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 into I into ω² 1/2 into I into ω₀ का, जितनी रोटेशन एनर्जी में इंक्रीज हुआ उतना ही हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। तो W की वैल्यू हमने कितनी की 485 की, 1/2 into I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन में कितना गिवन है निकालना है, और ओमेगा कितना है 2π into 460/60 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 into I हमने निकालना है, तो 2π into 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, I आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ω² - 1/2 I ω₀² से I की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या गिवन है, अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस गिवन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। देखो एक सिलेंडर है, पीछे की तरफ है, तो यहां से क्या किया, किसी ने रोप वाउंड कर दी और मास कितना है इसका 3 kg और रेडियस कितना है इसका 40 cm, 40 cm का मतलब 0.40 m गिवन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एल्फा, आपको क्या निकालना है एल्फा। तो रोप को हम खींच रहे हैं बाय अ फोर्स ऑफ कितने न्यूटन 30 न्यूटन, और एल्फा भी निकालो और ए भी निकालो। सबसे पहली चीज फोर्स क्या जनरेट करेगी, टॉर्क, तो टॉर्क कितना जनरेट करेगी 30 into R, क्योंकि इसका रेडियस कितना है आर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है RF sin φ, R into 30 मस्ट बी इक्वल टू, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है I into α। ठीक, तो यहां से 30 into R, R की वैल्यू कितनी है 0.40 इज इक्वल टू I, क्योंकि ये डिस्क है, नहीं ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब 1/2 mR into α, आपको मास पता है रेडियस पता है, यहां से क्या जाएगा अल्फा, यहां से अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। और A क्या होता है, A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है R into α, अल्फा इज इक्वल टू A/R, ये दोनों चीजें पता है तो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? तो टॉर्क की एप्लीकेशन, अच्छा तो यहां से ए निकाल लेना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन, इट्स मास इज 4 kg एंड रेडियस इज 0.2 m, इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 4 m, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द फुट ऑफ द प्लेन। सो एक सिलेंडर को हमने यहां पर रोल करवा दिया, रोल करता 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 नीचे आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिर्फ 1/2 I, उसने ये नहीं कहा टोटल एनर्जी निकालो, उसने कहा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो सबसे पहले इसकी जो हाइट है h आपको 4 m गिवन है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन इसके पास शुरू में एनर्जी कितनी थी mg into h,
तो एम जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही है। या फिर ये भी कर सकते हो, एम जी इंटू फोर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इनको सॉल्व करके आपके पास क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एम जी इंटू फोर इज हाफ, मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 4 kg और वेलोसिटी स्क्वायर 1 प्लस, क्योंकि सिलेंडर है तो यहां पर क्या आएगा हाफ आएगा, तो मास से वैसे भी मास कैंसिल ही हो गया, यहां से किसकी वैल्यू आ गई v की वैल्यू आ गई, समझ आ रहा है ना, तो यहां की v की वैल्यू आ गई। एक बार आपके पास v आ गया, आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकालना है, i का मतलब हाफ एम आर स्क्वायर और v क्या होता है सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा क्या होता है v बाय r, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर लेना है v बाय r। आपको मास पता है, रेडियस पता है, v पता है, r पता है, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है यहां तक। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5।
सेम अच्छा ठीक है सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको गिवन है कि अ यूनिफॉर्म स्फेयर शेल रिंग ऑल सेम रेडियस आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है एक स्फेयर लिया एक रिंग ली और एक डिस्क ली कुछ भी डिस्क ली इनको इंक्लाइन प्लेन से हमने छोड़ दिया वेलोसिटी ऑफ स्फेयर क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.2 मीटर्स पर सेकेंड तो वेलोसिटी ऑफ स्फेयर आपको गिवन है कैलकुलेट स्पीड विद विच अदर विल रीच द बेस सबसे पहली चीज कोई भी बॉडी जब यहां से चलेगी मान लो एच हाइट से चली यहां पर आके उसकी वेलोसिटी कुछ स्क्वायर हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन MGH इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो तीन केस बना लो पहले स्फेयर के लिए बना लो स्फेयर के लिए एम से एम कैंसल और जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी ऑफ स्फेयर का स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्फेयर का क्या होता है टू बाय फाइव ठीक और ऐसी स्फेयर के बाद क्या बनाना है रिंग रिंग के लिए सेम चीज जी इंटू एच हाफ वेलोसिटी ऑफ रिंग का स्क्वायर रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है वन और नेक्स्ट क्या है डिस्क डिस्क के लिए हाफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिस्क का स्क्वायर वन प्लस वन बाय टू तो स्फेयर की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है 0.2 इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री वन और टू को इक्वेट कर लो वेलोसिटी ऑफ रिंग आ जाएगी वन और थ्री को इक्वेट कर लो वेलोसिटी ऑफ डिस्क आ जाएगी तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो एक असाइनमेंट पकड़ना एक असाइनमेंट साहब दे दो उसे पांच मिनट और दो पांच सात मिनट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक मीटर स्टिक है और मीटर स्टिक को हमने यहां से घेर दिया मान लो ये मीटर स्टिक है और आपने मीटर स्टिक को यहां से घेर दिया और वो नीचे गिर गई आपको वेलोसिटी बतानी है और इसकी लेंथ कितनी है L आपको वेलोसिटी मीटर स्टिक का मतलब 1 मीटर तो आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी वेलोसिटी से इसे हिट करेगी तो मीटर स्टिक के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि इसका जो मास है ना वो मास की वैल्यू जो लेनी है वो ना तो यहाँ लेनी है ना यहाँ लेनी है कहाँ लेनी है सेंटर ऑफ मास पे लेनी है सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है यहाँ से 1/2 मीटर हाइट है तो ये भी नीचे गिरेगा तो देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी MGH और रॉड घूमती है मस्ट बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो यहां से m इंटू जी इंटू हाइट की जगह 1/2 हाफ आई की जगह आई क्योंकि ये इसका एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है और ये एक्सिस रॉड के लिए टेंजेंट है तो m l स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर ठीक है यहां तक तो लेंथ की वैल्यू आपको 1 पता ही है m से m कैंसिल हो गया यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा यहां से ओमेगा आ गया और क्योंकि इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल तो यू कैन अप्लाई v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा ओमेगा जो भी आएगा r का मतलब यहां पर रेडियस कितना चल रहा है l जितना तो ये जो कि 1 मीटर है तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू r ओमेगा तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें अब नेक्स्ट इसके अंदर अच्छा चलो ठीक है तो इसको बस करें नेक्स्ट सेशन में कर लें ठीक है